हेलो एवरीवन, वेलकम टू बाइंड एडुटेक। हियर इज अ टॉपिक बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। लास्ट क्लास वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द बाइंडिंग एनर्जी, दैट इज द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिक्वायर्ड टू डिसइंटीग्रेट अ न्यूक्लियस इनटू इट्स कंस्टिट्यूएंट पार्ट्स। तो उसी में हम लोग बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन में देखेंगे कि ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन है, एक्चुअली दिस इज अ रेशियो। किस चीज़ का रेशियो? रेशियो ऑफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस टू द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये क्या है? एक रेशियो है। किसका रेशियो है? बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस टू द टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स। ये जो रेशियो है, इसी रेशियो को बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन कहा जाता है। और ये हम लोग को आइडिया देता है अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस ऑफ एन एटम। कोई भी एटम का जो न्यूक्लियस है वो कितना स्टेबल होगा या अनस्टेबल होगा, इसके विषय में ये हम लोग को बताता है। अब यदि बाइंडिंग एनर्जी लेस है तो देन न्यूक्लियस इज नॉट स्टेबल एंड वाइस वर्सा। इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज लेस, इफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज लेस देन द न्यूक्लियस इज नॉट स्टेबल एंड वाइस वर्सा। मीनिंग क्या हुआ कि यदि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वैल्यू कम है तो इसका मीनिंग ये हुआ कि वो जो न्यूक्लियस है वो कम स्टेबल होगा, और यदि उसका वैल्यू अधिक है तो इसका मतलब ये हुआ कि वो जो न्यूक्लियस है वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो बहुत ही आसान है इसको समझना। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन यदि लेस है तो कम स्टेबल, और अधिक है यदि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का वैल्यू बहुत ज़्यादा हाई है तो इसका मतलब वो हाईली स्टेबल होगा। कौन? एटम का न्यूक्लियस। क्योंकि जिसको तोड़ने में एनर्जी लग ही नहीं रहा है, देन हाउ कैन वी से दैट इज स्टेबल। और जिसको तोड़ने के लिए, कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स में तोड़ने के लिए हाई एनर्जी का ज़रूरत पड़ता है, इसका मतलब ये हुआ कि दैट इज़ मोर स्टेबल। अब इसके बाद हम लोग देखेंगे मास डिफेक्ट, और जो एटॉमिक मास नंबर का रेशियो होता है दैट इज कॉल्ड पैकिंग फ्रैक्शन। पैकिंग फ्रैक्शन तो पैकिंग फ्रैक्शन क्या है? तो ये रेशियो है डेल्टा एम बाय ए, मतलब मास डिफेक्ट और एटॉमिक मास नंबर का जो रेशियो होता है उसी को हम लोग पैकिंग फ्रैक्शन कहते हैं। और पैकिंग फ्रैक्शन जो होता है, आप इसका यूनिट भी चाहें तो निकाल सकते हैं, लेकिन मास डिफेक्ट
को देखिए किस में मेजर करते हैं और एटॉमिक मास को हम लोग किस में मेजर करते हैं, इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए तो देन यू विल हैव द वैल्यू। अब एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टर्म है एंड दैट इज़ कॉल्ड बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जो कर्व है उसका स्टडी। इसमें तो वैसे ग्राफ पेपर का ज़रूरत पड़ेगा बट यहाँ पर तो बोर्ड पर ग्राफ पेपर वैसे बनाना उतना अभी पॉसिबल नहीं है। एक टॉपिक है कर्व ऑफ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन का जो ग्राफ बनेगा, जो कर्व बनेगा, तो उस ग्राफ में कुछ कुछ हम लोग ड्रॉ करते हैं फिगर्स एंड एक एक्सिस में जैसे देखेंगे तो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस का जब बात होगा तो देखिए ये हो गया आपको। इसमें हम लोग एटॉमिक मास, एटॉमिक मास नंबर को यहाँ दिखा रहे हैं और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, इसको ऐसे लिख देते हैं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। और यहाँ पर हम लोग प्रयास करते हैं कि एक रफ स्केच में ही, बट ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को शो करने के लिए हम लोग ऐसा बना रहे हैं। और अब इसमें जैसे ये 0, 50, 100 और आगे जाएगा तो 150, 200 ऐसे करके बढ़ते जाएगा और इधर 2, 4, 6, 8, 10, 12 ये सब बता रहा है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। और एक एक्सिस में आपको ग्राफ में आपको बहुत ही ज़्यादा डिफरेंट रिजल्ट्स मिलेंगे। जैसे स्टार्टिंग में इस ग्राफ को ध्यान से थोड़ा बनाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से फ
फ्लक्चुएशंस को ये बता रहा है, और देखिए तो इस ग्राफ में किस पॉइंट पर किस एलिमेंट का पीक को रिप्रेजेंट किया गया है। जैसे ये आपको शुरुआत हुआ है हाइड्रोजन से एंड दिस इज़ हीलियम HE। उसी तरीके से ऊपर बढ़े हैं लिथियम आपको मिलेगा, नाइट्रोजन मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो ग्राफ जो हम लोग बना रहे हैं, देखिए यहाँ पर FE को दिखाया गया है 56। फर्दर ऑन बहुत आगे बढ़िएगा इधर यूरेनियम आपको मिलेगा 92, एंड FE से लेके MC 100 तक आपको FE जिसका एटॉमिक नंबर 26 होता है, मास नंबर 56, इसका 100 तक जब जाइएगा तो वहाँ तक आपको एज इट इज़ लगभग वैल्यू स्टेबल ही मिलते जाएगा। तो यहाँ से हम आपको कुछ कुछ बातें लिखते हैं कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस। इम्पॉर्टेंट पॉइंट देखिए, ये ग्राफ तो बहुत बड़ा बनेगा, तो इस ग्राफ को स्टडी करने के बाद जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स है उसको देखिए कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस A is less than Z is low. This shows their nucleus is unstable. मतलब क्या हुआ कि जब एटॉमिक मास नंबर छोटा हो जाएगा एटॉमिक नंबर से, तो वैसे न्यूक्लियस अधिक स्टेबल नहीं होते हैं, जिसके कारण उस तरह का जो न्यूक्लियस होता है दे आर जस्ट ऑलमोस्ट अनस्टेबल। लेकिन कब? व्हेन ए इज लेस देन जेड। ए क्या है? ए इज द एटॉमिक मास नंबर एंड जेड इज द एटॉमिक नंबर। तो वैसे एलिमेंट्स के लिए देखा गया था कि वो सब का जो न्यूक्लियस है दे आर ऑलमोस्ट अनस्टेबल। पहला। दूसरा कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियस, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर द न्यूक्लियाई have increased gradually एटॉमिक मास नंबर 20 से छोटा होना चाहिए। फॉर दिस न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज ग्रेटर देन देयर नाइबर एलिमेंट्स। फॉर दिस न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज ग्रेटर देन देयर नाइबर एलिमेंट देखिए जिनका एटॉमिक मास नंबर 20 से कम होता है उसके लिए ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन होता है, ठीक है, वो धीरे धीरे ग्रेजुअली इंक्रीज करता है, और
ऐसे जो न्यूक्लियाई होते हैं उसका अपना बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन जो नाइबर एलिमेंट होता है उससे ग्रेटर होता है। इसके बाद फॉर द एलिमेंट्स हैविंग थर्ड पॉइंट फॉर द एलिमेंट्स हैविंग जिसका एटॉमिक मास नंबर 30 से ज़्यादा लेकिन 60 से कम होता है तो वो सब के लिए क्या होता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इंक्रीजेज ग्रेजुअली टिल इट बिकम्स मैक्सिमम। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, ये सब ऑब्जर्व किया गया था कि बाइंडिंग एनर्जी कब तक बढ़ेगा, इंक्रीजेज कब तक बढ़ेगा, टिल इट बिकम्स मैक्सिमम, जब तक कि ये मैक्सिमम नहीं हो जाता है। Fe और Ni के लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का जो वैल्यू है वो मैक्सिमम है, दैट्स वाई ये सब स्टेबल एलिमेंट हैं। Fe फेरस एंड जो निकेल है इसके लिए बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन का वैल्यू काफ़ी ज़्यादा हाई है, तो बहुत ज़्यादा हाई होने के कारण ये सब हम लोग को बताता है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा स्टेबल क्यों है। उसका बाइंडिंग एनर्जी लगभग जाता है 8.79 MeV तक, 8.79 MeV तक। और इसके बाद एलिमेंट्स जो कि जिसका एटॉमिक मास नंबर 61 से ग्रेटर है उसका बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेजुअली फिर डिक्रीज करने लगता है। एलिमेंट्स हैविंग एटॉमिक मास नंबर ग्रेटर देन 61 तो उसके लिए क्या हो जाता है ना, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ग्रेजुअली डिक्रीजेज, धीरे धीरे कम होता जाएगा, घटता जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने इस ग्राफ का अलग अलग पॉइंट्स को लिखा। और अब इसके बाद इसका कंक्लूजन क्या आया, कंक्लूजन कहने का सेंस है कि इस पूरे जो एक्सपेरिमेंट हुआ या पूरा जो ऑब्जर्वेशन हम लोग किए इसका कंक्लूजन क्या आया। तो देखिए इसका कंक्लूजन यही है कि जो इंटरमीडिएट वाले न्यूक्लियाई हैं उनका एवरेज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन होता है। कंक्लूजन कि कंक्लूजन में इंटरमीडिएट जो न्यूक्लियाई होते हैं उनका बाइंडिंग एनर्जी एवरेज होता है। बाइंडिंग एनर्जी मतलब बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन
हैव एवरेज वैल्यू। सेकेंड वन कि बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर लाइटर न्यूक्लियन इज लो, दिस शोज देयर न्यूक्लियस इज अनस्टेबल एंड गिव द पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। फॉर लाइटर न्यूक्लियाई बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लो, इट शोज दैट देयर न्यूक्लियस इज अनस्टेबल एंड गिव्स पॉसिबिलिटी ऑफ फ्यूजन, गिव्स पॉसिबिलिटी ऑफ न्यूक्लियर फ्यूजन। न्यूक्लियर फ्यूजन के पॉसिबिलिटी को ये देता है, और यदि कोई हैवियर न्यूक्लियस होता है, यदि कोई हैवियर न्यूक्लियस होता है तो वो सब में आपको जो वैल्यू होता है वो काफ़ी ज़्यादा हाई होता है, एंड उससे हम लोग फर्दर ऑन जो पॉसिबिलिटी गेन करेंगे, जैसे इसमें देखिए फ्यूजन हुआ है, इसमें ऐड हो जाएगा, और वो सब में आपको फीजन होता है जो टूटता है, तो इसमें लिखेंगे that for heavier nucleus, nuclear binding energy per nucleon, is less, तो stable तो ये भी नहीं हुआ, तो यहाँ लिखेंगे कि फोर हैवियर न्यूक्लियस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज लेस, तो स्टेबल ये भी नहीं हुआ, एंड ये दिस गिव्स the possibility of nuclear fusion में add हो जाता है और fission में टूटता है। nuclear fusion और fission के बारे idea हम लोग को और ज़्यादा clear तब होगा जब हम लोग न्यूक्लियर फोर्सेस के विषय में स्टडी करेंगे। तो न्यूक्लियर फोर्सेस जिसके बारे साइंटिस्ट युकावा ने बताया था, तो इसमें बड़ा एलिमेंट है, बड़ा एटम है, तो वो टूटकर छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, बड़ा न्यूक्लियस, और वहाँ पर जुट रहा था बिकॉज उनका साइज छोटा था। इसी प्रकार से ये जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला कर्व है, इससे हम लोग को इम्पॉर्टेंस के फॉर्म में पता चलता है कि जो फॉर्मेशन होता है एटम बॉम्ब का, एंड न्यूक्लियर रिएक्शन में जब हम लोग कंट्रोल चेन रिएक्शन एंड अनकंट्रोल चेन रिएक्शन पढ़ते हैं, तो वो सब में इस कर्व के मदद से हम लोग को बहुत सारा आइडिया मिलता है। आप सभी को इसको एक बार और स्टडी कर लेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम लोग इससे आगे बढ़ेंगे। टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, थैंक यू वेरी मच।